छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। आज 13 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इसमें रिटायर्ड आईएएस, कारोबारी, शराब कारोबारी और डिस्लरी से जुड़े लोग हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन किन लोगों के घरों पर, उनके ऑफिस में ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको ये बताएंगे कि अब तक क्या हुआ, इस कार्रवाई में क्या निकला है। नमस्कार, मैं हूँ मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। एसीबी की 13 टीम ने कार्रवाई की है। हर टीम में 15 से 20 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिला के 200 से ज़्यादा लोगों की टीम इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब तक रिटायर्ड आईएएस विवेक ढांड, अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी और निरंजन दास के घरों पर कार्रवाई की गई है। एसीबी ने विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा की कोर्ट से सर्च वारंट लिया। इन 13 लोगों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ये कार्रवाई हो रही है। इसमें केडिया डिस्लरी, वेलकम डिस्लरी और भाटिया समूह शामिल है। एसीबी के आला अधिकारियों ने बताया कि अनवर ढेबर, विवेक ढांड और अनिल टुटेजा अपने घर पर नहीं हैं। उनके घर में जांच चल रही है। ये पूरी जांच जो ईडी ने एसीबी को दस्तावेज सौंपे हैं उसके आधार पर हो रही है। उस दस्तावेज को क्रॉस चेक किया जा रहा है। हालांकि बड़े लोगों के नहीं होने से ये जाँच अभी तक रुकी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि वो आएंगे तो कुछ और पूछताछ हो सकती है। 3 शराब कारोबारी या शराब निर्माता जो हैं, डिस्लरी संचालक हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। इसमें केडिया समूह है, वेलकम समूह है और भाटिया समूह है। ईडी की छापेमार कार्रवाई के बीच दिल्ली से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटे। आइए सुनते हैं विष्णुदेव साय ने क्या कहा। अभी उनका काम है, सतत करते रहते हैं। ईडी ने अपनी एफआईआर में साफ लिखा है कि एक नेक्सस बनाकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। उसके मास्टरमाइंड अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और विवेक ढांड थे। इन लोगों को हर महीने पैसा जाता था। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी ये पैसा दिया करते थे। आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस पूरे घोटाले को, करीब 2000 करोड़ का घोटाला है ईडी के अनुसार, इस पूरे घोटाले में बड़े बड़े लोगों को पैसा जाता था। ईडी के प्रतिवेदन के बाद जिस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है, उससे साफ है कि ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और कुछ बड़े लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं मृगेंद्र पांडे।